हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। इतने दिन से बिजी थी इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज मैं आपके लिए हल्दी, बेसन और दूध से एक फेस पैक बनाने का नुस्खा लेकर आई हूँ, जिससे आपके रंग में इंस्टेंटली फ़र्क आएगा। आपके फेस पे अगर टैनिंग हुई है या फिर कील मुहांसे हैं या फिर आपका रंग दबता जा रहा है, तो आप इस फेस पैक को लगा के अपने फेस पे इंस्टेंट अपना रंग साफ कर पाएंगे। इसमें पहला इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी से चेहरे के दाग धब्बे कम होते हैं। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है दूध। दूध और बेसन से फेस की डेड स्किन निकल कर हट जाती है और इससे हमारा रंग साफ हो जाता है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक यौगिक होता है, जो त्वचा के दाग धब्बों को कम करके उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाने का काम करता है। दूध त्वचा की रंगत निखारता है और बेसन डेड स्किन को निकाल कर निखार देता है। इस फेस पैक को आपको बनाने का मैं तरीका बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको 2 चम्मच दूध लेना है। दूध आपको कच्चा दूध इस्तेमाल करना है, उबला हुआ दूध बिल्कुल मत लेना। और उसके बाद आपको 1 पिंच मतलब 1 चुटकी हल्दी लेनी है और 1 बड़े चम्मच बेसन का लेना है। बेसन आप ज़्यादा भी ले सकते हो, जितनी क्वांटिटी आपकी पैक की रखनी है आपको। हो सकता है आप फेस के साथ साथ नेक और हैंड पे भी यूज करो टैनिंग की वजह से, तो इसलिए आपको क्वांटिटी अपने इस्तेमाल के हिसाब से रखनी है। लेकिन हल्दी का इस्तेमाल पूरे सबसे कम करना है। जितना आपका बेसन है उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी, ज़्यादा हल्दी मत लीजिएगा, बहुत गर्म होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करिएगा। और दूध भी आप पेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं, जितना पेस्ट आपको गीला रखना है उतना ही आपको दूध इस्तेमाल करना है। अब ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा पेस्ट बन चुका है। इस पेस्ट को मतलब पैक को हम अपने हाथ पे लगा के दिखाते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है इसको लगाने के बाद। इस तरीके से इसको लगाना है, राउंड राउंड मोशन में लगाना है, ताकि हमारे रोम छिद्रों तक ये पहुंच जाए। पहले आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद इसको यूज करना है। फेस वॉश करने से क्या होगा, आपके फेस की पूरी गंदगी हट जाएगी। उसके बाद जब आप इसको लगाएंगे तो वो सीधे आपके फेस पे असर करेगा। इस तरीके से आपको लगाना है। मैंने अभी पतली सी लेयर लगाई है, आप इसको डबल लेयर पे लगा सकते हो। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे सूखने दीजिएगा, ये नहीं कि आप कूलर या एसी में बैठ कर या पंखे के नीचे बैठ कर इसको सुखाएं। आराम से इसको पूरा टाइम दीजिएगा सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद आपको फेस को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। अगर सर्दियां हैं तो हल्का गुनगुना पानी आप यूज कर सकते हैं, या अगर गर्मी है तो आप ठंडे पानी से मुंह धुल सकते हैं, या नॉर्मल वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी टाइप के आप और भी वीडियो चाहते हैं, और भी नुस्खे चाहते हैं अपनी ब्यूटी से रिलेटेड, फेस पे किसी भी प्रकार के आपके प्रॉब्लम हो, टैनिंग, पिगमेंटेशन, पिंपल, एक्ने, कुछ भी प्रॉब्लम हो डार्क सर्कल वगैरह की, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।